पुराने गाने सीखने के क्या फ़ायदे होते हैं और आजकल के जो नए बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे हैं उन्हें गाने के उन्हें सीखने के क्या नुकसान होते हैं, आज ये पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगा जो आप ही के पसंद का है। आप लोगों को गाने सीखना बड़ा पसंद है और बॉलीवुड हो या पुराने फिल्मी गाने हो या नॉन फिल्मी गज़ल हो, है ना, या भजन हो, उनको गाना आप लोगों को बड़ा पसंद है। शास्त्रीय संगीत में थोड़ी दिलचस्पी कम रहती है लेकिन गाने, भजन, ये कवालियाँ, ये सारी चीज़ें गाने में आपको बड़ा मज़ा आता है। तो आज मैं उसी पर चर्चा करूँगा और उसमें भी आपको बाइफर्केशन करके बताऊँगा कि कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि पुराने गाने गाने के क्या फ़ायदे हैं और नए गाने गाने के क्या नुकसान हैं। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, अभी अभी जो आपने टीज़र देखा, मेरी सिस्टर हरिजा पांडे का गाया हुआ गाना है, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर अवेलेबल है। प्लीज़ जाइए और सुनिए और उसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। आइए अब बात करते हैं उसी टॉपिक पर। देखिए क्या होता है, संगीत को हम गीतों के माध्यम से समझते हैं। आम पब्लिक की अगर मैं बात करूँ, एक लेमैन की बात करूँ, तो अगर उसने पहली बार कोई गाना सुना है तो उसकी रुचि जो है, उसकी दिलचस्पी जो है, वो संगीत में बढ़ी कि यार ये गाना बड़ा अच्छा है, फिल्म में चल रहा है या हीरो के पीछे चल रहा है या प्लेबैक है या कोई आपके पसंदीदा गायक ने गाया है कि उसकी आवाज़ आपको बड़ी पसंद है, उसकी गायकी आपको बड़ी पसंद है, तो आप कहते हैं यार मैं भी संगीत सीखूं। तो आप क्या करने लग जाते हैं, पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप वो वाले गाने गाने लग जाते हैं। अगर आपको लता जी के गाने बड़े पसंद हैं तो आप लता जी जैसा आपको गाना है तो आप लता जी के गाने गाने लगेंगे, आशा जी के गाने गाने लगेंगे या श्रेया घोषाल के आप गाने गाने लगेंगे, अरिजीत सिंह के आप गाने गाने लगेंगे। तो क्या करेंगे, आप उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये ह्यूमन नेचर रहा है हमारा, जो भी चीज़ हमें पसंद होती है हम उसे इमिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर ये मजाक में कहता ही हूँ कि हमारी जो प्रजाति है ये बनी ही बंदरों से है, है ना। एप्स जो है वो हम पहले एप थे, अब इंसान बन गए, तो हमारी आदत है कॉपी करने की, इमिटेट करने की, कि जो भी आदत हमें अच्छी लगती है किसी की तो हम इमिटेट कर लेते हैं तुरंत। अगर हमें कपड़े अच्छे लग रहे हैं हम तुरंत उसके जैसे पहनने लग जाते हैं, कोई हमारा आइडल होता है कि यार इसके जैसा हमें बनना है तो हम क्या करते हैं, वैसा का वैसा हम कॉपी करने लग जाते हैं, भले उसकी चाल ढाल हो, उसकी भाषा हो, उसकी रहन सहन हो, उसका खान पान हो, उसका पहनावा हो, है ना, हम सब कॉपी करने लग जाते हैं। तो यही काम हम गायक के साथ भी करते हैं, हम उसकी सिंगिंग स्टाइल को, हम उसकी आवाज़ को सब कॉपी करने लग जाते हैं। अब ये चीज़ अगर आप एक हद तक, मैं कहूँ, अगर पुराने गायकों के साथ, पुराने संगीत के साथ करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन आजकल का संगीत अगर आप कॉपी करते हैं तो बहुत खराब आदत है ये। ऐसा क्यों है वो भी मैं बता रहा हूं। मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप अगर संगीत सीखने जा रहे हैं तो शास्त्रीय संगीत को ही सीखिए, क्योंकि उसमें जो बारीकियां हैं, उसमें जो सच्चाई है, उसमें जो शुद्धता है और उसमें जो यूनिकनेस है, उसमें जो एक उपज है, वो आपके अंदर से संगीत पैदा करेगी, न कि किसी और का संगीत आपके अंदर डाल देगी, है ना। आपके अंदर से संगीत जन्मेगा अगर आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पुराने गानों को आप गा लें, अगर पुराने लता जी के टाइम के या फिर आर डी बर्मन साहब के टाइम के या फिर आप कहें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के टाइम के, आप कहें कल्याण जी आनंद जी के टाइम के, मदन मोहन जी के टाइम के, इन वालों अगर गानों को आप तैयार करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे गाने, वो सारा संगीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होता था, इसीलिए वो आज तक एवरग्रीन है, इसीलिए वो शुद्ध है। उनमें अगर अशुद्धता भी होती थी ना तो उसका भी एक पैमाना होता था निश्चित, कि इतनी ही हम अशुद्धता रखेंगे। अशुद्धता यानी कोई विवादी अगर सुर का प्रयोग है या मेलोडी के लिए कोई राग का बदलाव है, एक राग से दूसरे राग में जाना है, वो है। उनको तैयार करना वैसे भी एक मुश्किल काम है, तो जैसे ही आप उनको गाने लगते हैं ना तो गले में पहली चीज़ आपके बारीकियां पैदा होने लगती हैं, क्योंकि वो गाना इतना आसान थोड़ी है कि आपने सुना और चार बार में आ गया। आजकल के गाने ऐसे हैं कि चार बार में सुनते ही आ जाते हैं, पुराने गाने आप चार बार में सुन के नहीं कर सकते, उनके लिए आपको जहन आपका देना पड़ेगा, माइंड देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो संगीत में थोड़ा सा घुसेंगे और जैसे ही उन गानों में रुचि आपकी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि बढ़ने लगती है, सच्चे और शुद्ध संगीत में आपकी रुचि बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो गाने बने ही उस आधार पर है, शुद्धता के आधार पर है, सच्चाई के आधार पर है, है ना। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप पुराने गाने, आजकल के गाने बनते हैं वेस्टर्नाइजेशन, पूरा वेस्टर्नाइजेशन है, कॉर्ड्स पे गाने बन रहे हैं, पूरा का पूरा सप्तक नहीं होता है गीतों में और शब्दों के कुछ मानी नहीं है। पहली चीज़, धुन में कोई ऐसी खास मेलोडी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कैसे भी धुन बन जाती है। मैं सारे गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
उमूमन अधिकतर जो गाने बन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और किसी को भी डिमीन नहीं कर रहा हूँ मैं कि यार वो ख़राब है या ये अच्छा है। मैं एक एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, मैंने जो थोड़ा सा उसको विचारा है उस पर वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको गाने ही सीखने हैं तो फिर पुराने गाने आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि उनसे आपके पहली राग की शुद्धता आपके अंदर बैठेगी। स्वरों में जो हरकतें हैं, जो मुर्कियाँ हैं, वो आपके गले में देखी बैठेंगी, क्योंकि मुश्किल चीज़ों का रियाज करने से ही मुश्किल चीज़ें गले से निकलती हैं। आसान आसान चीज़ें गाते रहोगे तो गले से नहीं निकलेगी, है ना। वर्सेटैलिटी चाहिए तो हर प्रकार का गाना पड़ता है, एक को निश्चित नहीं कि लता जी गाना है तो लता जी गाना है, फिर सीधे गाने नहीं गा पाओगे जिनमें एकदम फ्लैट वॉइस चाहिए जो आजकल की जैसी है, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर शुद्धता का रियाज है तो पुराने गानों में जाइए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे एक बहुत पुराना गाना है लता जी का, दस्तक मूवी का गाना है और मदन मोहन जी का म्यूज़िक है। आप देखिए कितना मेलोडियस ये गीत है, और आप ये देखिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये गीत है। आप सोचिए, आप इसको अगर ऐसे गीतों को तैयार करेंगे तो दिमाग कितना खुलता है, कितना वास्ट हो जाता है, कितना वाइड हो जाता है, और ऐसा ओपन हो जाता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि इन्हीं चार गॉड्स में जाना है आपके। वहाँ देखिए कितनी कॉम्प्लिकेसी है। मैं कैसे कहूँ पी अपने जिया के, मायरी अरर ना दरर ना अरर दरर दर ना मायरी, है ना। मैं पूरा नहीं गा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का दिक्कत है, इसीलिए मैं खाली उसकी धुन आपको सुना रहा हूँ। अब देखिए इसमें कितने चेंजेस हैं, कितने फ्लिप्स हैं, है ना। अब आजकल के गानों से आपको न तो शब्द सीखने को मिलेंगे, ना आपकी गायकी आपको गले में पैदा होगी, ना भाव जो है वो आएंगे, क्योंकि भाव रूप से तो गीत बनना बंद हो चुके हैं पहली बात, है ना। और निश्चित दो तीन भाव हैं उन्हीं पर बन रहे, रोमांटिक बन गया, सैड रोमांटिक बन गया, दिल टूट गया उस पर बना लिया, है ना। और वो भी फिल्म की सिचुएशन अनुसार। आजकल की जैसे फिल्मों में अगर डाइवर्स सिचुएशंस नहीं हैं, वही चार सिचुएशंस हैं, इसीलिए गीत भी वैसे ही बन रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाने अगर सीखने हो तो एटलीस्ट चलो गाने ही सीख रहे हो तो पुराने सीखो फिर, है ना। अगर आपको गजलें गानी है तो मेहदी साहब की गाइए आप, है ना, हरिहरन साहब की गाइए, तो उनसे आपके गले में अच्छी चीज़ें होंगी। वैसे तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि उसको कम करिए और ओरिजिनल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं ही मान रहे हैं, आपका नज़रिया ही वही है कि नहीं हमें तो उसी प्रकार के गाने गाने, तो फिर आप पुराने गानों को ज़्यादा प्रेफर करें। क्यों, उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। गला उसी से तैयार हो रहा है आपका, आपके भाव उसी से तैयार हो रहे हैं, अच्छे शब्द, अच्छा थॉट, अच्छी फिलोसफी आपको वहीं मिलेगी, आज में नहीं मिलेगी, आज में बहुत कम मिलेगी, है ना। तो इसीलिए पुराने गानों को मैं प्रेफर करता हूँ, और आप भी उन्हीं को प्रेफर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसी गायकी को आप अच्छे से, क्या है, एक बार गले में गायकी बैठ गई और दिमाग में संगीत वैसा सुर सुरावट बैठ गई, फिर आप आज के गाने भी गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और आज के गानों में फिर आप यूनिकनेस ला सकेंगे, कुछ मुश्किलपन ला सकेंगे, कुछ ऐसा ला सकेंगे जो नहीं चल रहा मार्केट में, वरना सारे गाने, हर चार गाना सेम ही लगता है आपको, ये वाला गाना सुन लो, वो वाला सुन लो, ये वाला सुन लो, एक के बाद एक के बाद एक, आपको डाइवर्सिटी नजर नहीं आती है, है ना। तो अगर डाइवर्स बनना है, आपको वर्सेटाइल बनना है, तो पुराने गानों को प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो बस देखते रहिए इसी तरह से संगीत प्रभाव वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ नया नया मैं आपके लिए लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ आप ही लोगों के सवाल है जिन्हें हल करता रहूँगा। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू को जरूर आप सुनिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे हमारा ओन प्रोडक्शन है, SPW का खुद का गाना है, आप ज़रूर सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।